दिनन के बाद हमने सोची कि टीवी में न्यूज देखें। हम पहले न्यूज बहुत देखत थे, पर ना फिर हमारो बीपी हाई रहने लगो। सो घर में सब जनन ने हमारो टीवी देखो ही बंद करा दो। अब तनक तबीयत सुधरी तो हमने की चलो देखें तो कि न्यूज में का दिखा रहे। तो जैसे ही हमने टीवी खोली, सब में पहले चौरसिया जी दिखाने। भारी गुस्सा में हते, खूब बलबलाए जा रहे थे। मालूम चली कि कल शाहीन बाग गए थे और तन्ने आईना दिखा दो, अपनी ही शकल बुरी लग गई। सो भारी बन बनाए बैठे थे। हमने कि मरन दो, अपन तो आगे बढ़े, दूसरो चैनल देखें। जैसे ही दूसरो चैनल लगाओ कि बिनई के बड़े भैया सुधीर चौधरी। पतो चलो कि दो ही भैया संगे गए थे शाहीन बाग, पर चौधरी जी ने बढ़िया पंच मारो। कहने लगे कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए दो बड़े पत्रकार इतिहास में पहली बार साथ आए हैं। हमारी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। हमने कि भैया कॉमेडी थोड़ी देखने है, हम तो न्यूज देखने को बैठे हैं। हनी कि चलो आगे बढ़े। आगे गए सो देखो कि इन दोयन के बाप अर्णव गोस्वामी चार पांच जनन को बिठाए थे और खूब चिल्लाए जा रहे थे, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, बोलिए बोलिए। सब जने डराने से बैठे थे। एक जने ने तनक हिम्मत करके मुंह खोलवे की कोशिश करी, पर गोस्वामी जी के मन की बात नहीं कही हमारे जान। सो भैया वे कुर्सी से कूद के बिना के मुड़ के आगे खड़े हो गए। जो लग रही थी अभियाल गर्दन पकड़ ले। हमें लगी हमारा बीपी ना बढ़ जाए, हम डरा गए। हमने कि छोड़ो जो चैनल, अपन तो आगे दूसरो देखें। फिर हमने दूसरो लगाओ। सो उते दिखाने अमीश देवगन आर पार कर रहे थे वे सब कछु। वे 20-25 मिनट के शो में वे खुद ही फैसला कर देते हैं, सब आर पार कर देते हैं, सब मामला रफा दफा पक्ष का विपक्ष का वे खुद ही बता देते हैं कि का है का नहीं है। हाँ तो भैया तबीयत बिगड़न लगी। हमने कि चलो अपन दूसरो चैनल देखें। उते देखो मैडम अंजना दिखा गई। वे मानो जो कह रही हो, इनकी न्यूज सुन के ऐसी लगी हमें कि मानो भी कह रही हो कि हम काउ से पीछे नहीं है चापलूसी में, हम इन सब को टक्कर देंगे, और टक्कर ही नहीं, हम इन सब से आगे बढ़ के दिखाएंगे चापलूसी में। हमने की बहुत बढ़िया मैडम जी, जो बढ़िया कर रही हैं आप। हमने की चलो अपन तो दूसरों देखें। फिर हमने देखो सुदर्शन टीवी आ गई। भैया बढ़िया सज के अशोक चव्हाण जी, बढ़िया नारंगी कुर्ता पीली जाके टीका लगा के पूरे जोश में जो खड़े थे। हनी की बस तलवार देवे की देर है कि जे तो आज ही भारत को हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। हमने कही बहुत बढ़िया सबरे चैनल, बहुत गजब कर रहे। फिर हम घूम फिर के अंत में बॉय चैनल पे आए, जी के एंकर ने बार बार कही टीवी कम देखिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। आज ना हमें मनीराम दद्दा की बहुत याद आ रही। मनीराम दद्दा हमारे दादाजी के बड़े भैया हते, बहुत रौबदार हते, बिन के आगे को कछु बोल नहीं सकत। तो दद्दा ने जो कह दई सु कह दई बस। अब ऐसे ले लो कि दद्दा को समोसा पसंद नहीं आते, कचौड़ी पसंद थी। सो घर में कचौड़ियां ही आती। कैसे कि दद्दा के इतने समोसन में 2-3 रोज पुराने बुसे बुसाए आलू भर देते हैं, बिखावे से तबीयत और खराब हो जाते। एक बेर धनु जी ने कह दई तो दद्दा कचौड़ी खावे से बड़ी सेहत बनत है। दद्दा ने बिन के हाथ से कचौड़ी लेके द्वारे फेंक दई। हम सब जनन ने जल्दी जल्दी अपनी खा ली कि कहूं दद्दा हम और उनकी भी ना फेंके आए, ऐसी हती। एक बेर लाखन चाचा ने कही कि दद्दा तुमने घर में काउ से सलाह नहीं करी और सालवई की जमीन बेच दई। इत्तो सुन वो कितने बर्दाश्त था तो दद्दा को भन भन आ गए। बिन ने कही को हो तो तुम काय पूछे तुमसे, हमें जो करने हुई के सो करेंगे, रहने हुए रहो नहीं तो निकल जाओ घर से, ऐसी हती। तो देश और घर दो ही चीजें ऐसे नहीं चलत कि काऊ की सलाह से चलें, अपने ऐसे ही चलाई जाते हैं कि अपन फैसला ले लू बस। जब अपनी नेताजी ना स्टेज पे खड़े होके बोले थे ना कि जिए आपत्ति होए वो पाकिस्तान चलो जाए, तो हम सही कह रहे, हमारी आंखें भर आते हैं, हमें इतना अपनोपन लगता है कि हम बता नहीं सकते।
हमें जो लगत है कि वो दद्दा वे मरे नहीं है, जिंदा खड़े हमारे अगाई। बिल्कुल ऐसा ही हते हमारे दद्दा। अच्छा जैसे पहाड़न में होते ना कि अपन एक बेर बोले और आवाज दो तीन बेर दोहरा दोहरा के आते होते से गूंज गूंज के, तो जैसे अपने नेताजी बोलेंगे ना कहूँ बयान दें कि बोले कि पाकिस्तान चले जाओ, तो दो चार सांसद विधायक पीछे से दो चार रोज नो कहते रहे चले जाओ चले जाओ चले जाओ, ऐसे रिपीट होते रहते वो बात। एक जने ने कह दी काय चले जाए पाकिस्तान, इतने को टैक्स भर रहे पाकिस्तान को थोड़ी भर रहे, जी हमारा भी देश है, बैठ दो। ले गए उठा के बेल पे घूम रहे। अब देखो सरकार और कछु तो कह नहीं रही, बस इतने कैसी बात तो कह रही कि चुप रहो और आजाद रहो, तो चुप रहता नहीं बन रहो भैया, जैसे अपन तो कछु बोलते ही नहीं है, अपन तो चुप रहते हैं।